गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हियर इज़ चैप्टर 59 ऑफ जीके बुक फेमस बैटल्स। इन इंडियन हिस्ट्री मैनी बैटल्स वर फॉट ब्रेवली। यू नो वेरी वेल कि भारत में प्राचीन समय से ही बहुत से जो है युद्ध बहुत ही वीरता से लड़े गए। सम इम्पॉर्टेंट बैटल्स एंड वॉर्स चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और कुछ तो इतने इम्पॉर्टेंट बैटल्स हुए, युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई कि जिन्होंने भारत के इतिहास को ही चेंज कर दिया। इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट सम बैटल्स। इन द बैटल्स ऑफ द हेडस्पेस अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफिटेड किंग पोरस। इम्प्रेस्ड बाय द वॉल्यूर ऑफ पोरस अल्टीमेटली अलेक्जेंडर रिटर्न हिज किंगडम टू हिम। कि जो झेलम नदी के किनारे जब सिकंदर को पंजाब के राजा जो है पोरस का सामना करना पड़ा, तो सिकंदर ने क्या किया कि पोरस को हरा दिया और उसके साहस से प्रभावित होकर उसका जो राज्य था, यानी कि जो पंजाब का राज्य था, वो उसे वापस कर दिया गया। और इस तरह से सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वो जो है युद्ध कौन सा युद्ध कहलाया, हाइड स्पेसिस युद्ध। आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा अशोका एम्प्रेस द बुद्धिज़्म एंड प्रेस्ड इट द रेस्ट ऑफ द लाइफ। यू नो वेरी वेल कि बैटल ऑफ कलिंगा, आपने सिक्स में क्लास में भी रीड किया है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद क्या किया था अशोका ने, कि लाखों लोगों को जब मरे हुए देखा तो जब चारों ओर हाहाकार मची हुई थी तो उसने क्या किया कि युद्ध छोड़ने की जो है पॉलिसी जो है वो अपनाई कि वो आगे से युद्ध नहीं करेगा। और उसने फिर बुद्ध धर्म को जो है एम्प्रेंस यानी कि बुद्ध धर्म को अपनाया और इसके साथ उसने अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उनके प्रचार और उनके प्रसार में लग गया। नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ तराइन। इन द बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। गौरीज विक्ट्री पेव्ड द वे ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। और जो हमारा तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि भारत में जो पृथ्वीराज जो चौहान था उसको हराया और गौरी ने इस जो है विजय से भारत में मुस्लिम जो है शासन जो है स्थापित किया कि मुस्लिम जो है रूल्स यहाँ पर लागू करने स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी। तो जो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें जो बाबर ने इब्राहिम लोधी को जो है हरा दिया था। दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया। और इसी से भारत में मुगल शासन की जो है नींव रखी गई। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ टेलीकोटा। इन द बैटल ऑफ टेलीकोटा यूनाइटेड अलायंस बिटवीन द बीजापुर बीदर अहमदनगर एंड गोलकुंडा अंडर हिंदुज़म निज़ाम शाह डिफीटेड राम राजा ऑफ विजयनगर। इट डिस्ट्रॉयड द हिंदू किंगडम ऑफ द विजयनगर। और जो गोलकुंडा में जो हमारे हुसैन निज़ाम शाह विजयनगर में राजा को हराया गया और हिंदुओं को जो है राज्य को नष्ट कर दिया गया। एंड इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी अकबर्स फोर्सेज हेडेड बाय राजा मान सिंह डिफीटेड राणा प्रताप एंड द ब्रेव राजपूत किंग्स। और इसके साथ ही हल्दीघाटी युद्ध में जो अकबर की सेना ने राजा मान सिंह के नेतृत्व में यानी कि राजा मान सिंह के साथ मिलकर बहादुर राजपूत राणा प्रताप को हराया था। इन द बैटल ऑफ प्लासी प्लासी के युद्ध में क्या हुआ कि द इंग्लिश अंडर लॉर्ड क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला। जो लॉर्ड क्लाइव था जो अंग्रेज़ था उसने सिराजुद्दौला को हराया। इट बॉट एट द एंड ऑफ द मुगल रूल एंड इन बंगाल एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इससे क्या हुआ कि बंगाल में मुगल शासन की जो है जो वो ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया और भारत में कौन सा रूल लागू हो गया, ब्रिटिश शासन का, कि अंग्रेज़ यहाँ पर आकर बस गए सदा के लिए। आफ्टर द बैटल ऑफ वेंडिश वॉश द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। द बैटल सील्ड द फेट ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया एंड पेव्ड द वे ऑफ फॉर इंग्लिश रूल इन इंडिया। और जो हमारा वेंडी वॉश था कि इसके युद्ध के बाद जो अंग्रेज़ के फ्रांसिसो को जो है हराया था और युद्ध में भारत में फ्रांसीसी के भारत को जो है सील कर दिया गया। और इसके साथ ही यानी कि भारत का जो भाग्य था वो सील हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अंग्रेजी शासन आ गया था
उनके लिए रास्ते खुल गए थे और इन्होंने यू नो वेरी वेल अबाउट द कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 200 ईयर्स जो है शासन किया था. नाउ इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट फेमस बैटल. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.